नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास ना ही किसी बैंक अकाउंट है और ना ही आपके पास कोई यूपीआई आईडी है तो आप फिर भी यूपीआई से इजी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई के अंदर एक नया फीचर एड हुआ यूपीआई सर्कल, यानी कि यूपीआई सर्कल की मदद से आप कोई भी पेमेंट इजी तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको लाइव यहाँ पर पेमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हो और कैसे यूपीआई सर्कल को कैसे यूज कर सकते हो। इसके बारे में आपको कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले, किस प्रकार से यूपीआई सर्कल काम करता है, यानी कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको देने वालों किस प्रकार से यूपीआई सर्कल से कैसे पेमेंट कर सकते हो और कैसे यूपीआई सर्कल को इजी तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। सो यदि आपको बने रहेगा तो चलिए जो कमाल शुरू करते हैं। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से यूपीआई सर्कल काम करता है और कैसे यहाँ पर यूपीआई सर्कल से आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि यूपीआई सर्कल में दो मेंबर होते हैं, एक प्राइमरी मेंबर एक सेकेंडरी मेंबर। दोस्तों प्राइमरी मेंबर जो होगा वो यहाँ पर यूपीआई सर्कल ऐड करेगा, जैसे कि उनके पास बैंक अकाउंट होगा तभी यहाँ पर यूपीआई सर्कल में यहाँ पर बना सकता है। और सेकेंडरी मेंबर वो जिनके पास यहाँ पर ना ही बैंक अकाउंट है और ना ही कोई यूपीआई आईडी है, तो यहाँ पर फिर भी वो पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी मेंबर यहाँ पर एक्सेस करेगा तभी यहाँ पर सेकेंडरी मेंबर पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर प्राइमरी मेंबर को यहाँ पर यूपीआई सर्कल में यहाँ पर पांच लोग को एड कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्राइमरी मेंबर हूँ तो मैं अपने फैमिली के जितने भी यहाँ पर मेंबर है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है और उनके पास ना यूपीआई आईडी है और यहाँ पर पेमेंट करना नहीं जानते, तो यहाँ पर मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से यूपीआई सर्कल काम करता है और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से यूपीआई सर्कल से कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर भीम एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें लेटेस्ट वर्जन में आपको यूपीआई सर्कल देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर अपडेट करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन जैसे आप क्लिक करते हैं जो भी आपका पासवर्ड रहेगा भीम एप्लीकेशन का तो यहाँ पर निकल जाएगा। और जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीआई सर्कल न्यू करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एड ए मैनेज यूपीआई सर्कल। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके अपने यूपीआई सर्कल क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो एंड यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं यूपीआई सर्कल कुछ इस प्रकार से गाइडलाइंस आते हैं। यहाँ पर जो भी इसका लेटेस्ट अपडेट है इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है एंड इस गाइडलाइंस में बताया किस प्रकार से अपने यूपीआई सर्कल को कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो और कितना यहाँ पर लिमिट मिलते हैं, किस प्रकार से अपने लिमिट को सेट कर सकते हो, ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया। मिनिमम यहाँ पर आप 24 घंटे में 5000 रुपया किसी को यहाँ पर आप भेज सकते हो, यहाँ पर परमिशन आता है। और यहाँ पर आप एक मंथ में 15000 रुपया किसी को यहाँ पर सेंड कर सकते हो, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर बताया गया जो कि यहाँ पर आप दे सकते हो। और मिनिमम यहाँ पर 5 लोग को ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया यहाँ पर आप 5 लोग को ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर यूपीआई आईडी या फिर उनका यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन किया, यहाँ पर यूपीआई का ही क्यूआर कोड होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर पूछ रहे आप किन को यहाँ पर अपने यूपीआई सर्कल में ऐड करना चाहते हो, उनको यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। जैसे कि अपने फैमिली में उनके 5 लोग को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने ब्रदर का यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद। एंड जैसे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है एक्सेस करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर स्पेंड विद लिमिट के साथ या फिर अप्रूवल एवरी पेमेंट, यानी कि यहाँ पर अप्रूवल एवरी पेमेंट पर क्लिक करते हो जो भी यहाँ पर जितना पेमेंट करेगा बंदा तो उसको आपसे एवरी पेमेंट पर अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करते ऐड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप कंफर्म क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मेंबर आपका ऐड हो जाता है, यानी कि दोस्तों जो भी आपका रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड हो जाता है। अब उनके पास यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाएगा और रिक्वेस्ट जैसे वो रिसीव करते हैं यानी कि एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका यूपीआई सर्कल में यहाँ पर ऐड हो जाता है, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट वाला मोबाइल में प्राइमरी यूजर है और सेकेंड वाला मोबाइल में सेकेंडरी यूजर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मैसेज आ चुका है सेकेंडरी यूजर्स के पास, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो भी आपका पासवर्ड है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर इंटर करते हैं और यहाँ पर प्लीज वेट करके ऑप्शन आता है, इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज वेट करके ऑप्शन आता है और जब तक यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होते यहाँ पर प्लीज वेट करके ऑप्शन आता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीआई सर्कल आ चुका है, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर मिनिमम 30 मिनट का समय मिलता है। 30 मिनट के अंदर आपको एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, वरना यहाँ पर डिक्लाइन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट भी सेंड हो चुका और यहाँ पर सेकेंड यूजर में रिक्वेस्ट यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुके हैं, यानी कि दोनों में आपका यूपीआई आईडी एंड यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा आपस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी यूजर्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड यूजर्स के यहाँ पर डिटेल्स हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करते अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, सेट लिमिट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेट लिमिट क्लिक करते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पर अपने लिमिट को आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1000, 2000, 10000, यहाँ पर मैक्सिमम आप 15000 तक यहाँ पर अपना लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको लिमिट सेट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर मिनिमम जैसे कि मैं यहाँ पर 10 रुपये लिमिट सेट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इसका एक्सपायर डेट है 1 से 1 साल यहाँ पर बारिश का एक्सपायर डेट होता है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। और जिस अकाउंट से आपका पैसा कटेगा वो यहाँ पर सेट करने के बाद आप पोस्ट पर क्लिक करते हैं, पोस्ट पर जैसे क्लिक करते हो जो भी आपका इस वाले अकाउंट का यूपीआई आईडी रहेगा यहाँ पर आपको एंटर कर दें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बंद यहाँ पर ऐड हो चुका है, यानी किसी प्रकार से और भी फैमिली मेंबर को आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात थी किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हो और सेकेंडरी यूजर्स किस प्रकार से पेमेंट करता है, ये चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमने जाना किस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं अपनी यूपीआई सर्कल में दूसरे को, यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं, अब यहाँ पर किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूपीआई सर्कल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो भी इसका पासवर्ड है मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी यूजर्स में
यहाँ पर मेरा नाम भी शो हो जाएगा, जैसे क्रेडिट में जाएंगे तो यहाँ पर मेरा नाम शो हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर प्राइमरी यूजर्स ऐड हो चुका हूँ। और यहाँ पर किस प्रकार से मेरा भाई पेमेंट करेगा, यहाँ पर किसी को यहाँ पर पेमेंट करते हैं जैसे कि स्कैन टू पेमेंट करते हैं, या फिर किसी मर्चेंट को पेमेंट करता है, या फिर किसी को पेमेंट कराते हैं यहाँ पर पेमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 10 रुपीज यहाँ पर एंटर करता हूँ। यानी जैसे कि यहाँ पर सेकेंड यूजर्स का बैंक अकाउंट शो होगा तो यहाँ पर बैंक अकाउंट शो हो जाएगा, बट यहाँ पर प्राइमरी यूजर्स का यहाँ पर यूपीआई सर्कल में ऐड रहेगा तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करते मेरा नाम शो हो जाएगा, यहाँ पर आप एक रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी प्राइमरी यूजर्स है उनके पास रिक्वेस्ट चला जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुका है और यहाँ पर आप जैसे मैसेज भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा वेट करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपको 9 मिनट मिनिमम आपको 9 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है, जो भी पेंडिंग पेमेंट रहेगा यानी कि 9 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि जो आपका पेमेंट है डिक्लाइन हो जाएगा अभी पेंडिंग में है। तो किस प्रकार से इसको आप अप्रूव कर सकते हैं, चलिए हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी यूजर्स और प्राइमरी यूजर्स दोनों के यहाँ पर मोबाइल शो हो रहा है। और जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी यूजर्स के बारे में कि मेरे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा वेट करता हूँ, यानी कि मुझे नोटिफिकेशन में बता दिया जाए कि मुझे यहाँ पर पेमेंट करने का रिक्वेस्ट आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा वेट करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते रिक्वेस्ट आ चुका है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट का मेथड आएगा, जैसे यहाँ पर आपको पासवर्ड को आपको एंटर कर देना है, पासवर्ड एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट का मेथड आ चुका है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे आपका बैंक आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका पेमेंट है यहाँ पर सबमिट हो जाता है। और जैसे यहाँ पर यदि आपका पेमेंट सबमिट होता है तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको जो भी पेमेंट है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेमेंट सेंड हो चुका है और यहाँ पर पेमेंट भी रिसीव हो चुका है, यहाँ पर सक्सेस दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ से यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। यानी कि दोस्तों इसी प्रकार से यूपीआई सर्वर काम करता है, जैसे यहाँ पर आपको पेमेंट का रिक्वेस्ट आएगा उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पेमेंट करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे उसको और यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से यूपीआई सर्वर काम करता है, जैसे कि मैंने आपको पूरी जानकारी को बता दी, यहाँ पर फिजिकल करके मैंने आपको दिखा दिया आपको सामने यहाँ पर लाइव करके। यानी कि दोस्तों यदि आप यहाँ पर अप्रूवल के लिए यहाँ पर सेट करते हो तो यहाँ पर अप्रूवल आपको देना पड़ेगा, आपको यूपीआई पिन देना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर आप सेट लिमिट के साथ यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर आपको लिमिट के साथ यहाँ पर आपको पेमेंट हो जाएगा, आपको इस प्रकार से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। इस प्रकार से यूपीआई सर्वर काम करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते आपको यहाँ पर अप्रूवल देने का पड़ेगा तब यहाँ पर आप पेमेंट होगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से आखिर यूपीआई सर्वर काम करते हैं, यहाँ पर मेरे को बारीकी से सब कुछ मैंने समझा दिए। यदि आपको इसे संबंधित जो भी करो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, और आपको यूपीआई सर्कल यूज करने में कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आपको इस वाली वीडियो में बस एक छोटी जानकारी देने वालों, तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद, नए की रिप्लाई करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत वंदे मातरम।